नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर एस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर ट्रेनर किट के। ठीक है, इस ट्रेनर किट पर इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ ही साथ हम इस पर एक प्रोग्राम रन करके भी देखेंगे कि कैसे हम इस पर कोई प्रोग्राम को फीड इंटर कैसे करते हैं और आफ्टर दैट हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और रिजल्ट को चेक करेंगे। तो सबसे पहले इस किट को हम देखते हैं। तो ये किट का क्या है, पावर बटन है, इस किट को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। नाउ ये जो है हमारा, ये आपके सामने जो आईसी लगी हुई है 40 पिन आईसी जो है, यह है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की आईसी। ये जो तीन स्लॉट दिख रहे हैं आपको, स्लॉट 1, 2, 3, ठीक है, ये मेमोरी 0 है, मेमोरी 1 एंड मेमोरी 2, ये आपकी क्या है, रोम है। एज वेल एज यहाँ पर ये आपको टाइमर एंड काउंटर आईसी प्रोवाइड कर रहा है जो कि टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। नाउ अब ये जो है, ये आपके पास 24 लाइंस जो हैं इनपुट आउटपुट के, ये क्या है, 8255 की आईसी है। ठीक है, इसमें 24 लाइंस है इनपुट और आउटपुट के लिए। ऐसे ही आपको क्या चाहिए, आपको कीबोर्ड, ठीक है, ये जो है आपका कीबोर्ड और या और ये जो है डिस्प्ले, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ कीबोर्ड एंड डिस्प्ले कंट्रोलर लगा हुआ है। ये इसके अलावा भी और आईसी लगी है, ये आपका RS232 सीरियल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। देन ये आपके, अगर आपको आपकी प्रैक्टिकल में प्लस 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है तो इस पिन से, देन प्लस 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो इस पिन से, और माइनस 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपका हैक्स कीपैड है, हेक्साडेसिमल कीपैड, और ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जिस पर क्या है कि हम हमारा प्रोग्राम को, आउटपुट को, सभी को चेक करेंगे। ये जो डिस्प्ले है, इस पर जैसे ही हम ऑन करते हैं तो इस पर क्या लिखा आता है, SAL 85, ये 8085 का किट है, दैट इज़ वाई इट इज़ 85। अब इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन कि जब हमें किसी भी मेमोरी लोकेशन पर जाना हो तो उस मेमोरी लोकेशन पर जाने के लिए हमें इसके रीसेट बटन, ये इसका रीसेट बटन है, ठीक है, इसके रीसेट बटन को प्रेस करना होगा। आफ्टर दैट हमें रियल एग्जामिन करना होगा। देन आपको जो भी एड्रेस, जिस भी एड्रेस पर जाना हो, जस्ट लाइक मेरे जेल जाना है 2500 पर, तो हमने लिखा 2500, देन आपको करना है मेमोरी नेक्स्ट, तो आपको क्या उस पर्टिकुलर मेमोरी का कंटेंट मिल जाएगा। नाउ अब अगर आपको किसी रजिस्टर की वैल्यू चेक करनी है तो आपको क्या करना है, रीसेट शिफ्ट एक्सेल एग्जामिन रजिस्टर SI, जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पर क्या आपको एक डॉट शो होगा। आफ्टर दैट आपको जिस भी रजिस्टर को चेक करना हो, उस रजिस्टर को आप लिख दें, या फिर अगर आपको सारे रजिस्टर चेक करने तो आप सिंपली यहाँ क्या कर दें, ए। देखिए अभी ए का कंटेंट क्या है, CC, नाउ बी का 01, सी का 00, डी का 00, ई का 00, एफ का 44, एल एच का 27, एल का FB, PCH प्रोग्राम काउंटर की हायर बिट जो है वो किस पर है, 00 पर, एंड जो लोअर बिट है वो है 70 पर। नाउ SP स्टैक पॉइंटर की हायर बिट है 27 पर, एंड लोअर बिट जो है वो है B4 पर। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, रजिस्टर के कंटेंट को भी चेक कर सकते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, इस पर एक प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपके स्क्रीन पर एक स्वैपिंग का प्रोग्राम शो हो रहा है। इस स्वैपिंग के प्रोग्राम को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो हमें पता है कि इस किट पर हमें क्या करना होता है, हेक्साडेसिमल कोड, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप कोड, उसे इंसर्ट करना होता है। तो मेमोनिक्स जो हैं वो हमारे समझने के लिए हैं, जबकि हेक्साडेसिमल कोड क्या है, वो किट पर इंसर्ट करने के लिए होते हैं। तो सबसे पहले हमें मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग इस हेक्साडेसिमल कोड को इसमें फीड करना होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी मेमोरी लोकेशन पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले उस मेमोरी लोकेशन को इंटर करना होगा। तो हमने हमारे किट को किया रीसेट रियल एग्जाम इन मेमोरी, देन एड्रेस हमें दिया है 2000, तो हमने लिखा 2000। आप 2000 से 4000 के बीच कोई भी एड्रेस ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर मेमोरी नेक्स्ट, देखिए 2000 पर अभी क्या है, FF, तो हमें उस पर क्या लिखना है, 3E, तो सिंपली यहाँ पर प्रेस करिए बटन 3 एंड देन E, फिर करिए मेमोरी नेक्स्ट, या ऑटोमेटिक क्या होगा, 2001 पर शिफ्ट हो जाएगा। 2001 पर क्या है, हमारा डेटा है, जो डेटा क्या है, 06, तो हमने लिखा 06। नाउ फिर मेमोरी नेक्स्ट,
2002 पर, टू पर क्या है, वन ई विच इज ऑपकोड ऑफ एम वी आई ई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, वन ई। नाउ नेक्स्ट क्या है, तो हमारा डेटा है एफ एफ, हमने लिखा एफ एफ। नाउ नेक्स्ट इज मेमोर, नेक्स्ट 2004 पर देखिए फोर एफ है, फोर एफ, फिर नेक्स्ट 2005 पर है सेवन बी, तो इट इज सेवन बी, फिर नेक्स्ट 2006 पर है फाइव नाइन, तो इट इज फाइव नाइन, एंड नेक्स्ट ई एफ इट इज स्टॉप, आर एस टी, आर एस टी यहाँ पर स्टॉप करने के लिए आर एस टी फाइव को यूज़ किया है, दैट इज। नाउ नेक्स्ट, ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, हमने अपने प्रोग्राम को कंट्रोलर की मेमोरी में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। चूँकि हम पहले ही देख चुके हैं कि एक्यूमुलेटर, बी, सी, इन सब का डेटा क्या है, डिफरेंट था, ठीक है, कुछ गार्बेज वैल्यू थी, गार्बेज मतलब कि ऐसी वैल्यू जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है, कोई रैंडम वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर किट के लिए है वो है, सबसे पहले आपको करना होगा रीसेट, देन प्रेस करना होगा गो, फिर जिस एड्रेस से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 2000, तो 2, इसके बाद आपको प्रेस करना है फिल बटन, फिल। नाउ अब आपका प्रोग्राम क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो गया है। अब हमें क्या करना है, बिफोर एग्जीक्यूशन आपके एक्यूमुलेटर में क्या था, 06, आफ्टर एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर में क्या होगा, और FF, ऐसे ही बिफोर एग्जीक्यूशन ई में जो था FF, आफ्टर एग्जीक्यूशन वो क्या हो जाएगा, 06। मतलब हमने एग्जीक्यूट कर दिया है प्रोग्राम, तो उसके बाद हमारा जो कंटेंट है आफ्टर एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर में होगा FF और ई रजिस्टर में होगा 06, ठीक है। तो चलिए हम इसे क्या करें, चेक करें, तो हमें पता है एक्यूमुलेटर और रजिस्टर ई के कंटेंट को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, शिफ्ट एग्जामिन रजिस्टर, देन ए, देखिए ए में आ गया FF। नाउ नेक्स्ट बी क्या हमने लिया नहीं है, सी भी नहीं लिया है, डी ई, ई पर आ गया 06, क्लियर है। आई होप आप सभी को ये प्रोग्राम क्लियर होगा। अगर आपको डाउट है कि क्या सही में डेटा स्वैप हुआ या नहीं, तो हम एक काम करते हैं, हमारे प्रोग्राम में 06 के प्लेस पर FF और FF के प्लेस पर 06 लिख देते हैं, यानी एक्यूमुलेटर का कंटेंट FF हो जाएगा और ई का कंटेंट हो जाएगा 06। जब आप उसे स्वैप करेंगे तो आपको ऊपर वाला आंसर मिलेगा, दैट इज 06 एंड ए। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, रीसेट रियल एग्जामिन 2000। नेक्स्ट देखिए 3E, हमने 06 के प्लेस पर क्या कर दिया, डेटा चेंज करके रख दिया है। मान लीजिए हमने डेटा रखा इसका 04। नाउ नेक्स्ट 1E, अब FF के प्लेस पर हमने दिया 10, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड डी एंड। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सा रीसेट गो 2000 एंड फिल, ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट। अब फिर से रजिस्टर की वैल्यू चेक करें, तो शिफ्ट रियल एग्जामिन रजिस्टर ए, देखिए ए में हमने 04 डाला था, जबकि अब ए में कितना है, 10, जो कि हमने ई में डाला है। नाउ नेक्स्ट देखिए ई में देखते हैं, देखिए ई पर 04 आ गया। आई होप आप सभी को 8085 के किट पर कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे उसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट को चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। इसी के साथ हमारा 8085 का पहला प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट होता है, पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।